Assalamu alaikum guys, welcome to another lecture of operating system. My name is Deen Mehboob. In today's lecture of operating system, we are going to discuss about different times of process in CPU scheduling. हम CPU scheduling के बारे में पढ़ रहे थे और जिसमें हमने scheduling criterias पढ़े थे. Next हमारा topic जो है वो scheduling algorithms के बारे में है. लेकिन algorithms को पढ़ने से पहले हमें कुछ times के बारे में पता होना चाहिए जो हमारा process और हमारा CPU consume करता है. और इन टाइम्स के बारे में अगर हमें नहीं पता होगा तो आगे जो हम एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे और उनके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वो हमें समझ नहीं आएंगे. और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें इन टाइम्स का पता होना जरूरी है और इन टाइम्स के फॉर्मूलाज का भी पता होना जरूरी है कि इन टाइम्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं. उसके लिए ये लेक्चर समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो एल्गोरिदम वाले लेक्चर को समझने से पहले इस लेक्चर को समझना बड़ा जरूरी है. ऑपरेटिंग सिस्टम की जो लेक्चर सीरीज है वो इस चैनल पे मौजूद है. ए टू जी तमाम लेक्चर जो है उस पर आपको मिलेंगे एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में. तो चैनल पे आप चेक कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में भी लिंक ऐड कर दिया है मैंने और यहाँ पे आपको सजेशन आ रहा होगा, आप इस पर भी क्लिक करके उस प्ले लिस्ट तक पहुंच सकते हैं. तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ. हमारे पास जो डिफरेंट टाइम्स होते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग में, उनमें सबसे पहला जो टाइम है वो है अराइवल टाइम. अराइवल टाइम कहते हैं कि जब हमारा प्रोसेस जो है वो सेकेंडरी मेमोरी से निकल के मेन मेमोरी में आ जाता है उस टाइम को कहते हैं अराइवल टाइम. ये पॉइंट ऑफ टाइम है कि किस टाइम पे वो आया, दूसरे सेकंड पे आया, तीसरे पे आया, चौथे पे आया, सातवें सेकंड पे आया, कितने सेकंड पे वो आया, इसे अराइवल टाइम कहते हैं. और जो प्रोसेसेस का क्यू लगा होता है हमारी सेकेंडरी मेमोरी में, उसे जॉब क्यू कहते हैं. ये प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है. तो वो लेक्चर भी समझना जरूरी है इस लेक्चर को समझने के लिए, जिसमें हमने प्रोसेस शेड्यूलिंग के बारे में पढ़ा था, शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज पढ़े थे, वहां पे मैंने ये सारा कुछ बताया था, प्रोसेस स्टेट्स पढ़ी थी, वहां सारा कुछ बताया था. तो क्या होता है कि जब हमारी सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी है मतलब हार्ड डिस्क है, इसमें मैंने प्रोसेस क्रिएट कर दिया, मतलब प्रोग्राम जो है वो प्रोसेस जब बन गया, तो यहां से निकल के जब वो मेमोरी में जाएगा, यानी यहां वो जॉब क्यू में था, और जब वो रेडी क्यू में चला जाएगा, रेडी क्यू कहां लगा होता है, मेन मेमोरी के अंदर जो वेट कर रहे हो, वो क्यू जिसमें प्रोसेसेस वेट कर रहे होते हैं कि सीपीयू उनको एलोकेट हो जाए, सीपीयू उनको प्रोसेस करे. तो जब हमारा प्रोसेस पहुंच जाता है रेडी क्यू के अंदर, जॉब क्यू से निकल के, वो कितने टाइम पे पहुंचा उसे हम कहते हैं अराइवल टाइम. द टाइम एट विच प्रोसेस एंटर द रेडी क्यू, वो टाइम जिसमें हमारा प्रोसेस रेडी क्यू में एंटर हो गया उसको हम कहेंगे अराइवल टाइम. तो फर्ज करते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी में जब प्रोसेस क्रिएट हुआ तो उसका टाइम यहां पे स्टार्ट हो गया, ठीक है, और यहां पे जब वो मेन मेमोरी में पहुंचा तो फर्ज करते हैं 2 सेकंड के बाद पहुंचा, मतलब दूसरे सेकंड पे वो पहुंच गया मेन मेमोरी के अंदर. 0 सेकंड इधर था, 0 से 2, यानी कि दूसरे सेकंड पे वो मेन मेमोरी में पहुंच गया. तो अराइवल टाइम उसका कितना आएगा, 2 सेकंड, क्योंकि वो दूसरे सेकंड पे पहुंचा था. और ये एक टाइम है कि कितने टाइम पे पहुंचे, पॉइंट ऑफ टाइम है कि किस टाइम पे वो मेन मेमोरी में आ गए, यानी कि रेडी क्यू में आ गए, इसको अराइवल टाइम कहेंगे. अभी इसको सीपीयू एलोकेट नहीं हुआ, ठीक है. उसके बाद आता है हमारे पास बर्स्ट टाइम. बर्स्ट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम एक्चुअल जॉब टाइम भी कहते हैं. कुछ बुक्स में बर्स्ट टाइम की जगह पे एक्चुअल जॉब टाइम लिखा हुआ है, लेकिन मोस्टली इसको बर्स्ट टाइम कहा जाता है. तो बर्स्ट टाइम के नाम से भी आपने इसको याद रखना है. बर्स्ट टाइम किसे कहते हैं, टाइम ड्यूरेशन, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. ये टाइम ड्यूरेशन है, ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है. अराइवल टाइम था पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कितने टाइम पे वो पहुंचा, दूसरे सेकंड पे, तीसरे पे, पांचवें पे, कितने टाइम पे वो रेडी क्यू में आ गए, जॉब क्यू से निकल के. लेकिन बर्स्ट टाइम क्या है कि टोटल उसको कितना टाइम लगा, 10 सेकंड लगे, 15 सेकंड लगे, 20 सेकंड लगे, ये उसका बर्स्ट टाइम कहलाता है, ड्यूरेशन कहलाता है. तो बर्स्ट टाइम क्या है, टाइम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड बाय प्रोसेस टू कंप्लीट, उसको कितना टाइम चाहिए कि सीपीयू उसको मिले और सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करके कंप्लीट कर दे. मतलब एक प्रोसेस क्रिएट हुआ, फर्ज करते हैं प्रोसेस क्रिएट हुआ, उसको 5 सेकंड चाहिए कि वो कंप्लीट हो जाए, उसे 5 सेकंड चाहिए सीपीयू, सीपीयू उसको 5 सेकंड अगर देगा तो उसका 5 सेकंड में काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. तो 5 सेकंड जो है वो उसका क्या कहलाएगा, बर्स्ट टाइम कहलाएगा. उसको टाइम लगा कितना वो एक अलग चीज होगी, लेकिन उसको रिक्वायर कितना है, उसे चाहिए कितना टाइम उसको काम कंप्लीट करने के लिए, वो उसका क्या कहलाएगा, बर्स्ट टाइम या एक्चुअल जॉब टाइम कहलाएगा. तो फर्ज करते हैं एक प्रोसेस है जिसको 4 सेकंड चाहिए कंप्लीट होने के लिए, कि सीपीयू उसको 4 सेकंड देगा तो वो प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा. तो उसका जो बर्स्ट टाइम होगा वो क्या होगा, 4 सेकंड आएगा, 4 सेकंड, ठीक है. उसके बाद फिनिश टाइम. फिनिश टाइम का दूसरा नाम कंप्लीशन टाइम भी होता है, याद रखना है, इसको कंप्लीशन टाइम भी कहते हैं, लेकिन कुछ बुक्स में फिनिश टाइम है.
तो जब हम आगे एल्गोरिदम्स करेंगे वहां फिनिश टाइम लिखा होगा, तो इसलिए आपने फिनिश टाइम ही इसको याद रखना है। फिनिश टाइम क्या होता है? टाइम एट विच प्रोसेस कंप्लीट्स और फिनिश इट्स एग्जीक्यूशन, वो टाइम जब हमारा प्रोसेस जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है। ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन नहीं है, पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे फर्ज करते हैं कि हमारा प्रोसेस जो है वो दूसरे सेकंड पे मेन मेमोरी में आया, ठीक है, यहां पे उसने 2 सेकंड वेट किया और चौथे सेकंड पे उसको प्रोसेसर मिल गया, यानी सीपीयू मिल गया चौथे सेकंड में, ठीक है। तो 2 सेकंड वो यहां पे आया, दूसरे सेकंड पे यहां पे मेन मेमोरी में आ गया, मेन मेमोरी में 2 सेकंड उसने मजीद वेट किया क्योंकि हो सकता है सीपीयू किसी और काम में बिजी हो, तो वहां वेट करने के बाद उसे 2 सेकंड के बाद मतलब चौथे सेकंड पे उसको सीपीयू एलोकेट हो गया। जब सीपीयू चौथे सेकंड पे एलोकेट हुआ तो सीपीयू ने फर्ज करते हैं उसको टाइम दिया, कुछ टाइम किसी और प्रोसेसेस को दिए, कुछ टाइम बीच में वेट आया, वो करते हैं वेटिंग टाइम। तो तकरीबन हम फर्ज कर लेते हैं कि 12th सेकंड पे जाके, 12वें सेकंड पे जाके वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। यानी कि हमारा प्रोसेस जो है जब मेन मेमोरी में आ गया था तो वो कितने टाइम पे आया था? दूसरे सेकंड पे मेमोरी में आया था, दूसरे सेकंड। तो दूसरे सेकंड पे वो अराइव हुआ, 2 सेकंड, दूसरे सेकंड पे वो अराइव हो गया और उसने मजीद 2 सेकंड का वेट किया और 2 सेकंड उसने वेट किया और चौथे सेकंड पे उसको सीपीयू मिल गया। तो चौथे सेकंड पे उसको सीपीयू मिला, लेकिन पूरा जो उसको टाइम लगा जब वो एंड हो गया, जब वो टर्मिनेट हुआ, तो वो उस वक्त कौन सा टाइम चल रहा था? 12th सेकंड। तो 12वें सेकंड पे वो कंप्लीट हुआ, तो उसका फिनिश टाइम क्या आएगा या कंप्लीशन टाइम क्या होगा? 12 सेकंड उसका कंप्लीशन टाइम होगा, 12 सेकंड। यानी कि ये भी टाइम ड्यूरेशन नहीं है, जबकि ये भी क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है, किस टाइम पे वो कंप्लीट हुआ। अराइवल टाइम भी जो है पॉइंट ऑफ टाइम है कि वो दूसरे सेकंड पे आया, 2 सेकंड इसका अराइवल टाइम होगा और फिनिश टाइम क्या होगा? 12 सेकंड कहलाएगा, जबकि उसका बर्स्ट टाइम उसको रिक्वायर कितना था? 4 सेकंड, ठीक है। तो फिर दरमियान में कुछ टाइम वेट आया जिस वजह से उसको 12वें सेकंड पे जाके टर्मिनेट होना पड़ा, वो देखते हैं अब कि वेटिंग टाइम क्या होता है, वो आगे पढ़ते हैं। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? टोटल टाइम कंज्यूम्ड बाय प्रोसेस टू कंप्लीट, कंप्लीट होने में उसको कितना टाइम लग गया, यानी कि ये वो टाइम है कि एक तो टाइम था उसको चाहिए कितना, वो उसका बर्स्ट टाइम है, लेकिन उसको लग कितना गया टाइम, वो कहलाएगा उसका टर्न अराउंड टाइम। मैं इसकी एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। जैसे एक बच्चे ने फीस जमा करवानी यूनिवर्सिटी में, और जब फीस जमा करवाने के लिए गया क्लर्क ऑफिस, तो वहां पे पहले से लाइन लगी हुई थी, एक क्यू लगा हुआ था, वो क्यू में लग गया, ठीक है, उसको वेट करना पड़ा, क्यू में उसको वेट करना पड़ा। ये ऐसे ही है जैसे हमारा प्रोसेस किस में आ गया? रेडी क्यू में आ गया, मेन मेमोरी में आ गया। अब वो क्यू में लग गया, रेडी क्यू में आ गया, लेकिन अभी उसे क्लर्क के साथ उसका इंटरेक्शन नहीं हुआ, क्लर्क के साथ उसकी बातचीत शुरू नहीं हुई, क्लर्क को उसने भी फीस जमा नहीं करवाना शुरू की, अभी वो लाइन में लगा हुआ। इसी तरह से अभी उसको सीपीयू नहीं मिला, अभी वो मेन मेमोरी में है, तो 2 सेकंड उसने यहां वेट किया, जिस तरह से इस तरह वो क्यू में वेट कर रहा है, ठीक है। तो उसको तो क्लर्क के पास लगने थे 4 सेकंड, 4 सेकंड में क्लर्क ने उसका काम कर देना था, फीस वहां पे जमा हो जानी थी, उसने फीस देनी थी, उसको रसीद उसने दे देनी थी, 4 सेकंड फर्ज करते हैं उसको लगने थे, लेकिन उसको 2 सेकंड का तो वेट आ गया क्यू के अंदर, ठीक है, क्यू में भी उसको पहले वेट करना पड़ा, फिर उसके बाद से क्लर्क मिला, फिर उसको टाइम लगा। तो चाहिए उसको कितना टाइम था? 4 सेकंड, लेकिन उसको ज्यादा टाइम लग सकता है क्योंकि वहां पे हो सकता है क्यू लगा हो या क्लर्क जो है वो बिजी हो, कोई भी काम हो सकता है। तो यहां पे जो हमारा टर्न अराउंड टाइम है, ये वो टाइम है जो उसको लग गया। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसका फॉर्मूला याद रखना है, फिनिश टाइम माइनस अराइवल टाइम। फिनिश टाइम में से अगर हम अराइवल टाइम माइनस कर दें तो हमारे पास टर्न अराउंड टाइम आ जाता है। तो फिनिश टाइम हमने क्या यहां पे निकाला था कि हमारा जी 12वें सेकंड पे आके प्रोसेस हमारा कंप्लीट हुआ, फिनिश हुआ। तो 12 में से अगर हम माइनस कर दें अराइवल टाइम, और अराइवल टाइम हमने क्या निकाला? 2 सेकंड, कि दूसरे सेकंड पे वो मेन मेमोरी में आया। तो यानी कि अगर हम ये कर दें 12 माइनस 12 में से अराइवल टाइम निकाल दें, 2 माइनस कर दें, तो ये बन जाएगा 10 सेकंड। तो 10 सेकंड उसको टाइम लग गया टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। तो टर्न अराउंड टाइम कहां से कैलकुलेट असल में करना है हमने? जब वो अराइव हुआ था कहां पे? मेन मेमोरी के अंदर। ये जो पीछे उसने 2 सेकंड सेकेंडरी मेमोरी में रह के वेट किया, वो काउंट नहीं करना, काउंट वहां से करना है टाइम जब वो मेन मेमोरी के अंदर गया, यानी के रेडी क्यू के अंदर एंटर हो गया। जब वो रेडी क्यू में एंटर हुआ, वहां से लेके एंड तक 12वें सेकंड का उसको कितना टाइम लगा? तो 2 से 12 तक वैसे 10 सेकंड बनते, लेकिन इसका फॉर्मूला ये है कि फिनिश टाइम यानी कंप्लीशन टाइम में से अगर हम माइनस कर दें अराइवल टाइम, तो 10 सेकंड बनता है, तो ये इसका टर्न अराउंड टाइम कहलाएगा।
उसके बाद आता है वेटिंग टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेटिंग टाइम बहुत से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, न्यूमेरिकल जिसके आते हैं, ठीक है, उसने आगे जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे उनके उनके हवाले से भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, उनके लिए ये फॉर्मूलाज जितने भी हैं याद रखना जरूरी है। तो वेटिंग टाइम क्या है, जितना उसको टाइम लगा वेट करने में, एक तो उसका टाइम था जितना उसको चाहिए, लेकिन बीच में उसने वेट किया, जैसे मैंने बताया कि वो फीस जमा करवाने के लिए गया तो क्यू में लग गया, एक तो वहां पे वेट है, हो सकता है जब वो क्लर्क के पास जाए तो क्लर्क जो है उस दौरान उसे कोई कॉल आ जाए, वो कॉल सुनने लग जाए, या वहां पे वो कोई और काम करने लग जाए, वो कहे यार 2 मिनट वेट करो तो मैं यहाँ पे ये काम करके फिर तुम्हारी तरफ आता हूँ, तो वहां पे भी उसको वेट लग सकता है। चाहिए उसको 4 सेकंड थे, 2 सेकंड उसको क्यू में लग गए और 5-7 सेकंड वहां पे क्लर्क ने लगा दिए, तो टोटल उसका टाइम जो है वो बढ़ जाएगा जितना उसको लग गया, वो उसका टर्न अराउंड टाइम कहलाएगा। तो बीच में जो वेट आएगा, जो उसको वेट करना पड़ा, वो कहलाएगा वेटिंग टाइम। अब वेटिंग टाइम जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टर्न अराउंड टाइम में से माइनस कर देते हैं हम बर्स्ट टाइम। टर्न अराउंड टाइम हमारे पास क्या है, जितना टाइम उसको लग गया, और बर्स्ट टाइम क्या है, जितना उसको टाइम चाहिए था, तो जितना उसको लग गया उसमें से जो चाहिए था टाइम वो माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका वेटिंग टाइम आ जाएगा। जैसे टर्न अराउंड टाइम हमने निकाला है 10 सेकंड, तो 10 में से अगर हम माइनस कर दें बर्स्ट टाइम जो कि हमारे पास क्या है 4 सेकंड, तो 10 में से अगर हम 4 माइनस कर दें, 10 - 4 तो ये बनते हैं हमारे पास 6 सेकंड, तो 6 सेकंड उसने वेट किया, 6 सेकंड उसने यहाँ पे वेट किया। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, इस गैंट चार्ट, जैसे गैंट चार्ट कहते हैं, आगे एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे तो वहां पे इसकी डिटेल है, ठीक है। अब ये देखें, हमारा प्रोसेस जो है वो 2 सेकंड पे मेन मेमोरी में आ गया और 4 सेकंड पे उसको सीपीयू एलोकेट हुआ, तो टाइम कहां से कैलकुलेट होना, 2 सेकंड जहां पे अराइवल टाइम था, तो अराइवल टाइम था उसका 2 सेकंड उसने वेट किया, उसे सीपीयू एलोकेट हो गया 4 सेकंड में, 2 सेकंड उसने यहां वेट किया, सीपीयू ने उसको 2 सेकंड और दिए, जो हमारा प्रोसेस था 4 सेकंड से लेके 6 सेकंड तक सीपीयू ने उसको मजीद 2 सेकंड दिए। 2 सेकंड के बाद हो सकता है कोई आईओ वेट आ जाए, कोई इंटरप्शन आ जाए, ये हमने पढ़ा हुआ आईओ वेट क्या होता है, कि हो सकता है उस प्रोसेस में कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन लिखी हो कि उसने इनपुट आउटपुट डिवाइस का वेट करना है, उस दौरान भी वेट आ सकता है, या फिर कोई प्रीएम्प्शन आ जाए। प्रीएम्प्शन भी हमने पढ़ा है कि जब एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है लेकिन हाई प्रायोरिटी का कोई ऐसा प्रोसेस पीछे से आ जाए जिसको एग्जीक्यूट करना पहले जरूरी है, वो अगर आ जाए तो सीपीयू इसको स्वैप आउट कर देगा और उसको स्वैप इन कर देगा। ये स्वैप आउट और स्वैप इन का कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ चुके हैं, तो वहां पे भी इसको वेट करना पड़ेगा। तो फर्ज करते हैं कि 2 सेकंड उसने इसको दिए, तो यहाँ पे हमारा P1 जो हमारा प्रोसेस है उसको 2 सेकंड लग गए, ठीक है। अब सीपीयू ने इसको 2 सेकंड दे दिए, चाहिए कितने थे इसको, 4 सेकंड चाहिए थे। 2 सेकंड देने के बाद यहाँ पे कुछ मजीद वेट आ गया, तो फर्ज करते हैं कि 6 सेकंड से लेके 10वें सेकंड तक, 10 सेकंड तक उसको वेट करना पड़ा, यानी कि 6 से लेके 10 सेकंड तक 4 सेकंड यहाँ पे इसको वेट करना पड़ा। 10वें सेकंड पे दोबारा सीपीयू इसको मिला और फिर 12वें सेकंड पे मतलब 2 सेकंड और दिए, तो 2 सेकंड यहाँ इसको मिल गए, 2 सेकंड यहां इसको मिल गए और 2 सेकंड यहां इसको मिल गए, तो ये इसका बर्स्ट टाइम था कि इसको 4 सेकंड मिले, तो 4 सेकंड इसको मिल गए, तो इसका बर्स्ट टाइम कंप्लीट हुआ, तो हमारा प्रोसेस जो है वो 12वें सेकंड पे आके फिनिश हो गया। लेकिन दरमियान में उसने वेट कितना किया, देखें यहाँ पे 2 सेकंड तो उसने यहां वेट किए और 6 to 10 4 सेकंड उसने यहां वेट किए, तो 6 4+2 कितना हो गया, यहाँ पे 4 सेकंड और यहाँ 2, टोटल कितना हो गया 6 सेकंड हो गए। तो हमने देखें यही निकाला कि टर्न अराउंड टाइम कितना था उसका 10 सेकंड, तो 10 में से माइनस कर दिया हमने 4 सेकंड, यानी कि हमारे पास जो 4 सेकंड थे उसका बर्स्ट टाइम था वो माइनस किया, तो हमारे पास 6 सेकंड उसका वेटिंग टाइम आ गया। या फिर इसका दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है कि फिनिश टाइम माइनस बर्स्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम, ये वाला फॉर्मूला जो है वो ज्यादा एप्लीकेबल होगा, क्योंकि जब न्यूमेरिकल आते हैं तो वहां पे जो टेबल बना होता है प्रोसेसेस का, जिसमें वो हमें मुख्तलिफ टाइम दिए होते हैं, गिवन होते हैं, उनमें फिनिश टाइम भी गिवन होता है मोस्टली, बर्स्ट टाइम भी गिवन होता है और अराइवल टाइम भी गिवन होता है, जिसमें वो कहता है वेटिंग टाइम कैलकुलेट करें। तो फिनिश टाइम में से अगर हम बर्स्ट टाइम माइनस करें और उसमें से अराइवल टाइम भी माइनस कर दें, तब भी हमारे पास वेटिंग टाइम आ जाएगा। जैसे हम कर लेते हैं, फिनिश टाइम हमारे पास क्या है 12 सेकंड, 12वें सेकंड पे आके वो फिनिश हुआ, तो 12 माइनस बर्स्ट टाइम कितना है 4 सेकंड, ठीक है, तो 12 माइनस 4 कितना हो गया 8, और अराइवल टाइम उसका कितना है 2 सेकंड, तो 8 माइनस 2 कितना हो गया 6, तो यहां पे भी हमारे पास 12 माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 6 सेकंड्स,
तो यहाँ पे भी ये फॉर्मूला यूज करें या ये यूज करें एक ही बात है। ये जेन में रखना है कि क्वेश्चन के मुताबिक हमने देखना है कि अगर क्वेश्चन में ये दो टाइम गिवन है तो फिर यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर ये तीनों है तो ये वाला लगा लेंगे, तो जो सा वहां पे सूटेबल होगा फॉर्मूला यूज करना हम उसको यूज कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद है रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम क्या है? टाइम एट विच प्रोसेस गेट सीपीयू फर्स्ट। फर्स्ट टाइम सीपीयू कब उस प्रोसेस को मिला, पहली दफा कब मिला, वो उसका रिस्पॉन्स टाइम होगा। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, वैसे मैं फिर बता देता हूं। देखें, एक मैंने फाइल ओपन की, डबल क्लिक किया तो वहां पे लोडिंग हो रही है क्योंकि वो वेट कर रहा है। ठीक है, एकदम से उसने अपना हमें पहला रिस्पॉन्स दिया, उसने कहा जी कि फाइल एकदम से ओपन हो गई। अभी फाइल जो ओपन हुई है उसमें जो कॉन्टेंट्स थे वो नजर नहीं आए, लेकिन फाइल एकदम से सामने आ गई, उसके ऊपर मजीद प्रोसेसिंग हो रही है। इसका मतलब है उसको उसने रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया, ये उसका रिस्पॉन्स टाइम होता है। ठीक है, तो रिस्पॉन्स टाइम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? गेट सीपीयू फर्स्ट टाइम, पहली दफा जब उसको सीपीयू कब मिला उसमें से अगर हम माइनस कर दें अराइवल टाइम तो पता लग जाएगा कितने टाइम बाद इसने हमें रिस्पॉन्स दिया। फॉर एग्जांपल, 2 सेकंड इसको यहां लगे सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आने में, 2 सेकंड इसने मेन मेमोरी में वेट किया, और फिर 4th सेकंड पे जाके इसको सीपीयू मिल गया। तो पहली दफा उसको सीपीयू कब मिला? 4th सेकंड पे जाके मिला। तो यानी कि हमारे पास रिस्पॉन्स टाइम कितना आया? 2 सेकंड। क्यों? क्योंकि ये जो 2 सेकंड उसने सेकेंडरी मेमोरी में वेट किए थे, या ये हमने जो है वो काउंट नहीं करने, काउंट हमने 2 से लेके 4 तक ही करने। तो फर्स्ट टाइम से सीपीयू कब मिला था? 4th सेकंड पे। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 सेकंड, इसमें से माइनस कितना करना है हमने? अराइवल टाइम। और अराइवल टाइम क्या हमारे पास? 2 सेकंड। ये 2 सेकंड अराइवल टाइम, ये अगर हम निकाल दें 2 सेकंड तो हमारे पास बचेगा 2 सेकंड, यानी कि 4 सेकंड माइनस 2 सेकंड इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो हमारे पास जो रिस्पॉन्स टाइम आया वो कितना आया? 2 सेकंड। 2 सेकंड के बाद उसने हमें रिस्पॉन्स दिया। तो ये जो टर्न अराउंड टाइम है, वेटिंग टाइम है, रिस्पॉन्स टाइम है और बस टाइम है, ये जो 4 टाइम्स है ये ड्यूरेशन है। ठीक है, ये ड्यूरेशन है, हमने काउंट करने 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 4 सेकंड। ठीक है, लेकिन ये जो अराइवल टाइम है और कंप्लीशन या फिनिश टाइम है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है कि किस टाइम पे वो अराइव हुआ और किस टाइम पे वो फिनिश हुआ। तो 12वें सेकंड पे वो फिनिश हुआ था। ठीक है, और अराइव कब हुआ था? 2 सेकंड के ऊपर। ठीक है, लेकिन ये हमने देखा कि इसको 4 टोटल सेकंड चाहिए, 1, 2, 3, 4, ये टाइम ड्यूरेशन है। इस तरह से टर्न अराउंड टाइम जो है वो उसको 10 सेकंड लग गए। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पॉन्स टाइम, ये हमने काउंट करने हैं कब? जब हमारा प्रोसेस जो है वो रेडी क्यू में आएगा, यानी जब वो अराइव हो जाएगा, उसके बाद जब वो मेन मेमोरी में पहुंच जाएगा, तो यहां से हमने टाइम को कैलकुलेट करना है। यहां से कैलकुलेट नहीं करना, ये बात याद रखनी। इसीलिए वेटिंग टाइम के फॉर्मूले में भी यहाँ माइनस अराइवल टाइम लिखा हुआ है, इसी तरह से यहाँ रिस्पॉन्स टाइम में भी माइनस अराइवल टाइम। इस टाइम को जो दरमियान में यहाँ 2 सेकंड लगे सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आने में, वो हमने काउंट नहीं करने। तो ये होता है हमारे पास एल्गोरिथम को समझने के लिए कुछ टाइम्स हैं जो हमारा प्रोसेस कंज्यूम करता है, और ये टाइम्स आएंगे तो आगे एल्गोरिथम भी समझ आएंगे। तो इनको समझना बड़ा जरूरी है, और इनको समझने के लिए पिछले लेक्चर्स को समझना बड़ा जरूरी है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर कोई सजेशन है तो आप दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।